गुजरात के अमरेली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी का प्रारंभ कराया गया। गौरतलब है कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का लक्ष्यांक शहरों को संपूर्ण रूप से कचरे से मुक्त करना है। इसी के तहत अमरेली नगर पालिका परिसर में विधानसभा के उप मुख्य दंडक और अमरेली कुंकावाव वड़िया के विधायक कौशिक वेकरिया और लोकसभा सांसद भरत सोतरिया की उपस्थिति में रोड स्वीपर, डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्हीकल समेत के वाहनों के लोकार्पण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के 11 व्हीकल, रोड स्वीपर मशीन 2 और 2 ट्रैक्टर विथ ट्रॉली, रोबोट जेसीबी वाहन जैसे कई वाहनों का इस मौके पर हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान कराया गया। अमरेली नगर पालिका में सफाई के लिए नए वाहनों के लोकार्पण से यहां साफ सफाई रखने में सहूलियत होगी। अमरेली नगर पालिका को स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत स्वच्छता कायम रखने के लिए 1,95,70,592 रुपयों की कीमत के वाहन आवंटित किए गए हैं, जिससे लोगों को साफ सफाई की सुविधा मुहैया कराई जा सकेगी। स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत अमरेली नगरपालिका में अलग अलग साधनों आपवामां आव्या छे। खास करीने अमरेली शहेरनी अंदर स्वच्छता जळवाई शके ए प्रकारना जयरे गुजरात सरकार द्वारा साधनों प्रोवाइड करवामां आवे त्यारे हूँ खास करीने गुजरात सरकारना राज्यना मुख्यमंत्री भूपेन्द्रभाई पटेलनो आभार मानु छूं कि अमरेली नगरपालिकामां जे व्यवस्था करी आपवा बदल राज्य सरकारनो मैं हृदयथी आभार मानु छूं। नगरपालिका द्वारा खूब सारी रीते स्वच्छतानी कामगीरी थाय एवी अमने शुभकामना पाठवुं छूं। वडोदरा की जीएसएफसी यूनिवर्सिटी द्वारा उनके छात्रों को व्यावसायिक क्षेत्रों में शिक्षा देकर उन्हें प्रैक्टिकल क्षेत्रों में सज्ज किया जा रहा है। इसी के तहत जीएसएफसी यूनिवर्सिटी ने ह्यूबेक कलर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता करार यानी एमओयू किया है, जिसके तहत दोनों संस्थाओं में शैक्षिक सहयोग, संशोधन और शैक्षिक विकास के लिए छात्रों को शिक्षा और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस एमओयू के लिए जीएसएफसी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष पीके तनेजा और ह्यूबेक कंपनी के एमडी रवि कपूर ने उपस्थित रहकर एमओयू पर अपने हस्ताक्षर किए। ह्यूबेक कलर प्राइवेट लिमिटेड एक जर्मन कंपनी है और हमने जीएसएफसी के साथ एक कोलैबोरेशन किया, जीएसएफसी यूनिवर्सिटी के साथ कोलैबोरेशन किया। ये हमें बहुत खुशी है ये करके। हमने पहले एमएसयू के साथ किया था और अब यहाँ जो जीएसएफसी का जो हम प्रोग्रेस देख रहे हैं और जो हम देख रहे हैं इतने इनके एफर्ट्स बढ़िया हो रहे हैं, ये हमारा खुशकस्मत ही है कि हम लोग इसमें साथ में हम कोलैबोरेट करें और ये प्रोजेक्ट करें। ये जो प्रोजेक्ट है या ये जो कोलैबोरेशन है एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर एनालिटिकल केमिस्ट्री तो होगा ही, सस्टेनेबिलिटी भी होगा ही, लेकिन इसको हम एक इंडस्ट्री फोकस से करेंगे। इंडस्ट्री के की क्या ज़रूरतें हैं, आज इंडिया की जो केमिकल इंडस्ट्री है ग्लोबल इंडस्ट्री की 3% है और ये 3% बहुत कम है। गवर्नमेंट का भी प्लान है और इंडस्ट्री का भी प्लान है कि 6-7% तक इसको लेके जाना है। जब इतना हम ग्रोथ करेंगे और इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ग्रोथ होगा तो ये काम कौन करेगा और स्टूडेंट्स कहाँ से आएंगे और राइट टाइप के स्टूडेंट्स कहाँ होंगे और गुड क्वालिटी केमिकल इंजीनियर्स केमिस्ट कहाँ से आएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमारी जैसी इंडस्ट्री को जीएसएफसी यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट करें और यही हमारा एंडेवर है। आप बुटीक में एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आज के दिन जो हो रहा है वो भी एक टाइप का एक इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोग्राम है और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री और एकेडमी मतलब यूनिवर्सिटी दोनों मिलके ऐसे प्रोग्राम चलाएं जिससे कि हमारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रेडी भी हों, एम्प्लॉयबल भी हों और उसमें एप्लीकेशन रिसर्च भी करें। तो रिसर्च, इंटर्नशिप और इवन फैकल्टी भी इंटर्नशिप करती है जो कि कहीं नहीं है, ये हमारी यूनिवर्सिटी में है। तो इसलिए ये प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। मिस्टर रवि कपूर एंड हिज कंपनी ह्यूबेक इज गोइंग टू सपोर्ट इन दिस इन टर्म्स ऑफ करिकुलम। अगर करिकुलम और सिलेबस अच्छा होगा और उसको पढ़ाने वाले लोग भी होंगे, वो इंडस्ट्री से भी आ सकते हैं और आएंगे ही, तो जो बच्चा बाहर निकलेगा, जो स्टूडेंट बाहर निकलेगा वो इंडस्ट्री रेडी भी होगा, एम्प्लॉयबल भी होगा और उसकी वैल्यू ज़्यादा होने से उसको अच्छा सैलरी पैकेज भी मिल सकता है। इन सब ऑब्जेक्टिव्स के साथ में हम लोग आज का ये एमओयू कर रहे हैं और हो चुका है। और भी कुछ एप्लीकेशन रिसर्च रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी हम इंडस्ट्री के साथ में जो कर रहे हैं और ख़ासतौर से ह्यूबेक के साथ में करना चाहेंगे।
मैं इतना बता दूं कि ये जो अप्रोच है हमारी है, उसमें हमारे यहाँ कोई सेमेस्टर ब्रेक नहीं होता है। आई थिंक पूरे इंडिया में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो सेमेस्टर ब्रेक ना देती हो, और ये शुरू से ऐसा है। तो सेमेस्टर ब्रेक जो वैसे होता है, तो उस समय क्या करते हैं, उस समय स्टूडेंट्स इंडस्ट्रियल इंटर्नशिप करते हैं। कहने का मतलब है ये है कि वो इंडस्ट्रीज में जाते हैं, वहाँ पे इंडस्ट्री मेंटर होता है, उसका एक फैकल्टी मेंटर भी होता है, सब मिल के उसको इंडस्ट्री के बारे में मेंटरिंग करते हैं। मध्य प्रदेश के कुनो के बाद अब मंदसौर के गांधी सागर अभयारण्य में भी चीतों को बसाया जाएगा। एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील गांधी सागर के पास स्थित अभयारण्य क्षेत्र में अब विदेशी चीते बसाने की तैयारियां जोरों पर है। देश में विलुप्त हो रहे इको सर्कल के इस जीव की बढ़वार पर सरकार अब काफी गंभीर नजर आ रही है। वन विभाग ने गांधी सागर अभयारण्य में चीतों को बसाने के लिए एक पूर्ण व्यवस्थित और आधुनिक बाड़े का निर्माण कर लिया है। यहाँ आने वाले चीतों का जनजीवन सुलभ हो सके, इसलिए सरकार की इनके आने से पूर्व अलग अलग पहल की जा रही है। वहीं इसको लेकर देश सहित अन्य देशों के विशेषज्ञ भी यहां पहुंच रहे हैं और चीतों की बसाहट वाले क्षेत्र पर गंभीरता से विचार विमर्श स्थापित कर रहे हैं। देखिए, जैसे कि अभी हमारे कुनो में चीता प्रोजेक्ट आया था, वहाँ पे काफी पर्यटक आना शुरू हो गए थे। सेम यहाँ पे गांधी सागर में अभी चीता प्रोजेक्ट आ रहा है, अभी केनिया की और हमारे अफ्रीका की टीम विजिट कर चुकी है, तो उसके लिए सभी चीजें सही लेवल पे हैं। कुछ और जो मैमल्स हैं यहाँ पे शाकाहारी आ रहे हैं, उनके भोजन के लिए आ रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ पे चीता आएगा, जैसे कि चीता एक यूनिक प्राणी है, हमारे इंडिया से ऑलमोस्ट विलुप्त हो गया था, तो लोगों को पर्यटन में यहाँ पे जो लोकल गांधी सागर है, यहाँ पे पर्यटन में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। तो इसके लिए हम भी काफ़ी उत्साहित हैं और जो लोकल आदमी हैं काफ़ी उत्साहित है इस चीज़ के लिए। वर्तमान में 387 चीतल हिरण कान्हा नेशनल पार्क बंदिहार भोपाल से और नरसिंह अभियान से लेके आए हैं। अभी 1000 चीतल हिरण और आने के वर्तमान में तो 64 वर्ग किलोमीटर के एरिया को रखा गया है साउथ विलेज के लिए, लेकिन भविष्य में पूरा एक लैंडस्केप जो चीता के लिए रखा गया है, उसमें राजस्थान का बैंसलोर का सेंचुरी तक का पार्ट डिपर्स का एरिया जो चीता खुले में रहेगा, तो पूरा एक लैंडस्केप के साथ उसको रखा गया है। गुजरात के अहमदाबाद में 7 जुलाई को आयोजित होने वाले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरे जोरों पर चल रही है। इस रथ यात्रा के धार्मिक आयोजन भी शुरू कर दिए गए हैं, जिसके तहत भगवान जगन्नाथ की 147वीं जल यात्रा आयोजित की गई। जल यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर और सरसपुर मंदिर में विशेष तैयारियां की गई है। इस मौके पर भगवान जगन्नाथ मंदिर से भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी, पूर्व उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, पूर्व मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा, भाजपा विधायक अमित शाह, कांग्रेस विधायक इमरान खेड़ावाला समेत के अग्रणी भी शामिल हुए। जगन्नाथ मंदिर से नदी के घाट तक जल यात्रा का आयोजन किया गया, जिसे लेकर मंदिर परिसर में उत्साह का माहौल देखने को मिला। ढोल नगाड़े और शंखनाद से मंदिर का माहौल गूंज उठा। बैलगाड़ी में विराजमान होकर भगवान को जल यात्रा के लिए ले जाया गया। गंगा पूजन के बाद 108 कलश में लाए गए जल से भगवान का जलाभिषेक किया गया। इस मौके पर जल यात्रा में खूबसूरत रूप से सजाए गए गजराज भी बड़ी संख्या में शामिल हुए, साथ ही भक्त और भजन मंडली भी जल यात्रा में आकर्षण का केंद्र बनी। भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा के पहले नदी में से जल लेकर भगवान को स्नान किया जाता है, ये जल यात्रा बोलते हैं। भगवान जगन्नाथ की जल यात्रा में शामिल होने का सौभाग्य सालों से प्राप्त होता है, मैं अपने आप को खुश नसीब समझता हूँ। और ये रथ यात्रा गुजरात के विकास में लोग प्रार्थना करते हैं कि गुजरात का विकास निरंतर बढ़ा करे। भगवान जगन्नाथ जी की जल यात्रा जो हर साल की तरह निकलती है,
भगवान जगन्नाथ जी की 147वीं रथ यात्रा निकलती है, उसका प्रारंभ जल यात्रा से होता है। 108 जल जो कलश लाकर भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में जो रखते हैं वो साबरमती के नीर को रखते हैं और यहाँ पूजा विधि होती है। पूजा विधि के बाद पूरे रथ यात्रा का आज के दिन से प्रारंभ हो जाता है। मैं समझता हूँ ये ऐतिहासिक है कि गुजरात के अंदर सबसे बड़ी रथ यात्रा जो निकलती है वो जमालपुर खाड़िया विधानसभा से जमालपुर से निकलती है और भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर जो जमालपुर विस्तार में आया है और खास करके पुरी के बाद सबसे बड़ी रथ यात्रा निकलती है वो अहमदाबाद शहर से निकलती है। अहमदाबाद शहर का ये पुराना विस्तार है, कोर्ट विस्तार है, अलग अलग जगहों पे लोग आते हैं, ये विस्तार से निकलती है। वहाँ पर मुस्लिम समाज की तरफ से, ताजिया कमेटी की तरफ से, ईद मिलाद कमेटी की तरफ से अलग अलग स्वागत करने में आते हैं और यही एक देश का पैगाम है, एकता का पैगाम है कि आज भगवान जगन्नाथ जी जब पूरे दर्शन लोगों को दर्शन देने के लिए निकलते हैं तो तमाम समाज के लोग उनका जो सम्मान करते हैं, महाराष्ट्र का सम्मान करते हैं और भगवान के जो आशीर्वाद लेते हैं वो तमाम समाज के लोग आज एक ही बात करते हैं कि हमारा गुजरात मजबूत रहे, हमारा भारत देश मजबूत रहे। वडोदरा के इस्कॉन मंदिर में भी भगवान जगन्नाथ बलदेव और बहन सुभद्रा का स्नान यात्रा उत्सव मनाया गया। हर वर्ष रथ यात्रा से पहले स्नान यात्रा की परंपरा है जिसके तहत भगवान जगन्नाथ को स्नान करवा कर क्वारंटाइन कर दिया जाता है। माना जाता है कि इस दौरान भगवान बीमार हो जाते हैं और ऐसे में उन्हें अलग अलग काढ़ा बनाकर भोग लगाया जाता है। 14 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। आज वडोदरा में आयोजित स्नान यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए जिसमें इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष नित्यानंद स्वामी ने स्नान यात्रा को संपन्न कराया। श्री जगन्नाथ जी का जलाभिषेक स्नान यात्रा इस्कॉन वडोदरा के द्वारा संपन्न हो रहा है। भगवान श्री जगन्नाथ जी के विग्रह को 9:45 बजे निज मंदिर से इनके बैठक में लाया गया और वहां पर इनको बड़े ही सुंदर भोग भक्तों के द्वारा अर्पण किया गया। उसके उपरांत इनकी आरती हुई और जलाभिषेक शुरू हो गया है। आज से भगवान का जब निज मंदिर में अभी जाएंगे तक बंद हो जाएगा। 7 जुलाई आषाढ़ी तीज के दिन भगवान का पट खुलेगा। उसी दिन भगवान बड़ौदा रेलवे स्टेशन से नगर भ्रमण के लिए निकलेंगे। गुजरात के वडोदरा की कॉरपोरेशन की सभा में पूर्व क्रिकेटर और टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान का मामला उठाया गया जिसमें यूसुफ पठान द्वारा जिस जमीन पर अतिक्रमण किया गया है उसका किराया लेने की मांग विधायक केयूर रुकड़िया ने की है। 2012 में यूसुफ पठाने ए TP22 FP90 जगह की मांगनी करी हती। 2012 में तेनु वैल्युएशन 57,270 रुपया प्रति चौरस मीटर कॉर्पोरेशने ठराव्यु हतु। स्थायी में पैसा भरीने एने मंजूरी आपवामां आवी हती। यूसुफ पठाने एक पण रुपयो आ प्लॉट पेटेनो आज दिन सुधी भर्यो नहोतो। मात्र मेरिटना आधार पर प्लॉटना पैसा भराया नथी। सरकारे प्लॉटनी फाड़वनी ना मंजूर करी छे। आम छता 10 वर्षथी प्लॉट पर पोतानी कंपाउंड वॉल बांधीने दबाण कर्यु छे अने ऊपरथी कोर्टमां जाय छे। एटले कोई चोरी ऊपर से सीना चोरी। आवा व्यक्तिओने सबक शीखवाड़वो अने आ दबाण तात्कालिक धोरणे दूर थवुं जोईए आवी मैं मांगणी करी छे। वडोदरा महानगरपालिका की सामान्य सभा में कांग्रेस पक्ष की विपक्ष नेता अमीर रावत ने मकान का रीडेवलपमेंट कर कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाए हैं। वडोदरा में अचानक हजारों मकान ने नोटिस आपी ने पेपर में जाहरात आपी कि आ मकानों जर्जरित है, कॉर्पोरेशन ने तोड़वानी जवाबदारी है। चौक्सपणे रीडेवलपमेंट मे कोई इजारदारों ने बेनिफिट करने आखू आ एक षड्यंत्र प्रतीत थाय त्यारे फरीथी PPP धोरणे लोकोने आ रीते डिमोलिश करीने बेघर करवानुं जे षड्यंत्र छे, कोई डेवलपमेंटने फेवर करवानुं षड्यंत्र छे, एनो अमे आजे सभामां विरोध कर्यो छे। पालिका की सामान्य सभा में विधायक केयूर रोकड़िया ने गुजरात हाउसिंग बोर्ड के आवासों का मसला भी उठाया और गरीब लोगों को घर से बेघर नहीं करने की मांग भी की। साथ ही कांग्रेस के नेताओं पर मिलीभगत के आरोप भी लगाए। कॉर्पोरेशन अंडर सेक्शन 264 એને ખાલી કરાવવાનું અથવા તો ગટર અને પાણીના કનેક્શન કાપવાનું કામ આજે કોર્પોરેશન કરી રહી છે। કોર્પોરેશનની ટીમનો એટલે આભાર માનું છું કે કોર્પોરેશન ફરીવાર જોઈન્ટ સર્વે કરી રહી છે,
ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડના એન્જિનિયરો સાથે, એમાંથી અલગ જે બધા ટાવરો છે એમાંથી કેટલા ટાવર રિયલમાં જર્જરિત છે એનો પણ અલગ સ્ટડી થઈ રહ્યો છે. રિયલમાં જર્જરિત ટાવરમાં પણ શું કઈ વસ્તુ ખાસ જર્જરિત છે, પાણીની ટાંકી, સ્ટેર કેસ, કોઈનું ઇન્ડિવિજ્યુઅલ મકાન, આ પણ સ્ટડી થઈને જે તે વ્યક્તિને રિપેરિંગ માટેની સૂચના આજે કોર્પોરેશન અને હાઉસિંગ બોર્ડ આપી રહી છે. કોર્પોરેશન ક્યારે કોઈને ફાયદો કરાવવા માટે કામ કરતી નથી, કોર્પોરેશન નાગરિકોને ફાયદો કરાવવા માટે કામ કરતી સંસ્થા છે.